कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.3 अध्याय 9 चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डीपी बीक्यू के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीक्यूबी के। दूसरा, एपी बराबर होगा सीक्यू के। त्रिभुज एक्यूबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीपीडी के। चौथा, एक्यू बराबर होगा सीक्यू पी के। ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। अब आकृति को देखते हुए हम इन जानकारी को, इन दो त्रिभुजों को देखिए, एक ए पी डी त्रिभुज और दूसरा सी क्यू बी त्रिभुज। दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहली जानकारी क्या, ए डी भुजा की माप सी बी के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये ए डी भुजा है और ये सी बी भुजा। दूसरी जानकारी, डी पी की माप बी क्यू के बराबर, यानी क्या, डी पी भुजा की माप किसके बराबर है, बी क्यू भुजा के कैसे है बराबर, ये दिया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि यदि ये समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसी कंडीशन में ए डी भुजा, कौन सी भुजा, ए डी बी सी के समानांतर है, और ऐसी स्थिति में यहाँ बनने वाला ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। और जब ये कोण बराबर होगा तो निश्चित है इस आकृति में भी ये कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम इन तीन जानकारियों को मिलाते हुए दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम, तो यह हम डायरेक्ट क्या लिखें, उपपत्ति से लिखते हैं। हालांकि दिया है मैं यही लिखना, अगर लिखना चाहे तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी आर क्यू इस प्रकार स्थित है कि डी पी बी क्यू के बराबर है। दर्शाइए कि उसको हम सिद्ध करना है मिले। पहला क्या, त्रिभुज कौन सा, ए पी डी व त्रिभुज कौन सा सी क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना, सर्वांग सम। पहली जानकारी क्या, ए डी भुजा किसके, बी सी के बराबर है। कारण, समानांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा है। दूसरी जानकारी, डी पी भुजा किसके, बी क्यू के बराबर। कहाँ से दिया है की जानकारी से। और तीसरी जानकारी क्या, कोण ए डी पी बराबर, कोण ए डी पी बराबर है कोण किसके, ये कोण सी बी क्यू के। कारण में लिखेंगे हम, ये कौन से, ए डी भुजा बी सी के समांतर है, उसके ये यहाँ पर क्या बनने वाले कोण है, जिसको हम लिखते हैं, कौन सा कोण है, ये एकांतर अंतर कोण है, एकांतर या कोण है लिखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए पहली जानकारी सिद्ध हो गई कि त्रिभुज ए पी डी क्या है, सर्वांग सम कौन से त्रिभुज के, सी क्यू बी के। कारण हमारे पास है साइड एंगल साइड क्या, सर्वांग समता प्रमेय। हमें से सब जानते हैं, देखिए भुजा कोण भुजा से दोनों प्रमेय क्या सिद्ध हो गए, सर्वांग सम। पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट सिद्ध करना है कि एपी भुजा की माप, कौन सी भुजा की माप, एपी भुजा की माप सी क्यू के बराबर है। तो दूसरे पार्ट में भी इसी जानकारी को लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी कहाँ से सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए कौन सी भुजा, इसलिए एपी भुजा सी क्यू के कैसे होगी, बराबर होगी। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। इसी में तीसरा पार्ट हमको सिद्ध करना है। ये जो तीसरा पार्ट है उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये तीसरा पार्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज ए क्यू बी
ए क्यों बी, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम, और त्रिभुज कौन सा, सी पी डी में। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी वही जानकारी, पहली जानकारी दोनों में अगर देखें तो ए बी भुजा किसके, सी डी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम में से सब जानते हैं कि ये कौन से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुज। इस जानकारी को ध्यान से देखें तो ए बी सी डी के समांतर है, तो यहाँ बनने वाला कोण कैसा होगा बराबर, तो हम लिखेंगे कि यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण कैसा होगा बराबर। और तीसरी जो जानकारी है तो पहले से ही दी है, क्या दी है कि ये जो हमारे पास कौन सी भुजा है, ये हमारे पास बी क्यों भुजा है, ये हमारे पास बी क्यों भुजा है, वो पी टी भुजा के कैसे है बराबर है। तो यही तीन जानकारी से भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएंगे, सर्वांग सम। इन्हीं जानकारियों को हम लिख रहे हैं ए बी किसके बराबर, सी डी के। कारण में लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज की कौन सी सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। बी क्यों बराबरी से पी डी के, उसके पहले हम कोण लिख दें, कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू की माप कौन से कोण, सी डी पी कोण के बराबर है। कारण एकांतर कोण है, इसके लिए कारण लिखेंगे हम, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और तीसरी जानकारी क्या, बी क्यू भुजा पी डी के बराबर, बी क्यू भुजा पी डी के बराबर कहाँ से, ये लिखा हमने कहाँ से, ये लिखा दिया है से। ये तीनों जानकारी मिलके ये सिद्ध कर देती कि त्रिभुज, कि त्रिभुज कौन सा ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम कौन से त्रिभुज के, सी पी डी के। नियम होगा कौन से नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय या नियम द्वारा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम या प्रमेय। क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है कौन से, त्रिभुज सी पी डी के, किसके द्वारा, समीकरण, मान लो इसको हम समीकरण एक कह दे, हम क्या लिख रहे हैं इसको, समीकरण एक द्वारा। यदि ये दोनों सर्वांग सम है तो फिर इनकी शेष भुजाएं कौन सी, ए क्यू भुजा और कौन सी सी पी भुजा, ए क्यू भुजा और कौन सी सी पी भुजा कैसी होगी बराबर। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या संगत अवयव है। पांचवा देखिए, क्योंकि ए पी सी क्यू में क्या, ए पी बराबर सी क्यू कौन से, ये भाग दो में सिद्ध कर चुके हैं, और ए क्यू बराबर इसे सी पी ये भाग चार में सिद्ध कर चुके, तो इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए ए पी सी क्यू कौन सा समानांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर, धन्यवाद।